क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, डिस्टेंस फार्मूला पे है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। करेंगे कैसे, बिल्कुल तसल्ली से समझेंगे हमें कैसे क्या दिया हुआ है। इफ द पॉइंट पी एक्स कोमा वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए इक्वल टू, ए कितना है -3.2 एंड बी इक्वल टू 4.-5, देन प्रूव डेट, हमें ये प्रूव करना है वाई इक्वल टू एक्स माइनस टू। तो देखना कैसे करेंगे, पॉइंट कौन सा है पी, पी इक्वी डिस्टेंस है, तो पी के कोऑर्डिनेट यहाँ लिख लो, पी इक्वल टू एक्स कोमा वाई, और यहाँ से दो ऐसे इक्वी डिस्टेंस के दो पॉइंट लिख लो, ए और बी, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट लिख दो कितने हैं -3.2, और बी के कोऑर्डिनेट लिख दो कितने हैं 4.-5। अब जो मैं बता रहा हूँ वो करना है आपको, क्या करना है कि डिस्टेंस फार्मूला हमें पता है कि भाई क्या है ये इक्वी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस डिस्टेंस फ्रॉम किससे, डिस्टेंस फ्रॉम पी इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम पी वी, डिस्टेंस फ्रॉम पी वी, ठीक है। जो पी ए की डिस्टेंस होगी वही पी वी की होगी। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, देखो ध्यान से, अंडर रूट के अंदर x1-x2 का होल स्क्वायर प्लस y1-y2 का होल स्क्वायर, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ध्यान से, अभी सिर्फ मैं ये सोल्व कर रहा हूँ, ये वाला बाद में लिखूंगा, ठीक है, ये वाला बाद में लिखूंगा। तो इसके लिए क्या करना है, ध्यान से देखना, इसके लिए क्या करना है, इसको नाम लिख दो, इसको दे दो x1 और इसको दे दो y1, और सिमिलरली इसको क्या दे दो, इसको दे दो x2 और इसको दे दो y2, क्लियर है यहाँ तक। अब इसको यहाँ पुट कर दो, तो ये आ गया मेरा क्या, अंडर रूट के अंदर देखो ध्यान से, x1 कितना है x, माइनस x2 कितना है, ध्यान से देखना, -3 का और इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y1 कितना है, देखो y1 की जगह है y, माइनस y2 कितना है 2, -2 और इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, सिर्फ 2 है यार, -2 नहीं, सिर्फ 2 इज इक्वल टू, क्लियर है। अब इसको सोल्व करना है, तो देखो इसमें भी यही फार्मूला लगाएंगे सेम, अब क्या करेंगे ध्यान से देखना, वरना आप गलत कर दोगे। अब क्या करेंगे, ये जो x1 y1 है ना, इसको हटा के यहाँ लिख लेंगे, ये कितना हो जाएगा x2 और y2, अब सेम यही फार्मूला लगा दो, यही वाला सेम यहाँ पे, तो अब x1 कितना हो जाएगा, देखो यही फार्मूला सेम यहाँ लगेगा, तो x1 की जगह आ जाएगा x, -x2 की जगह 4 इस पूरे का होल स्क्वायर, प्लस y1 की जगह, देखो y1 की जगह है y, -y2 की जगह कितना है -5 और इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान रखना जो बात मैं बता रहा हूँ, जब दोनों तरफ अंडर रूट हो तो क्या करते हैं हम, टेकिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो जब भी हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, क्यों, यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो कोने में, जैसे अंडर रूट x है और इसका होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, x की पावर 1/2 की पावर 2, और पावर की पावर हो तो पावर की मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाती है 1/2 × 2, और 2 से 2 कट गया तो क्या बचेगा x, कोने में कहीं लिख लेना। अब ये करेंगे तो इसका क्या होगा, देखो x -, मतलब प्लस, तो x +3 का होल स्क्वायर प्लस y -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x -4 का होल स्क्वायर, और इधर से क्या आएगा प्लस -, मतलब y +5 का होल स्क्वायर, क्लियर है यहाँ तक। अब कुछ नहीं करना है, इनके स्क्वायर खोल देना है, ठीक है। तो देखो कितनी आसानी से मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है, ये पूरा मैं मिटा देता हूँ क्योंकि ये मेरा काम हो गया। अब देखो ध्यान से, ये क्या आएगा, a +b का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, ए स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर +b² 3 का स्क्वायर प्लस 2 × a, मतलब x × b, ये हुआ। अब सेम यही करेंगे, प्लस a - b का होल स्क्वायर, मतलब a² y² प्लस b² -2 × y × 2 इज इक्वल टू, फिर वही a - b का होल स्क्वायर, मतलब x² प्लस 4² -2 × x × 4, और इधर से क्या आएगा प्लस a + b का होल स्क्वायर, मतलब y² प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 × y × 5, क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो ध्यान से, ठीक है, अब इसको खोल दो, तो ये क्या हो जाएगा, x² प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3×2 = 6x प्लस y² प्लस 2 का स्क्वायर 4 -4y,
ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10y, ठीक है। अब देखना ध्यान से कैसे होना है, ध्यान से देखना, बस हो गया, इतना कर लिया, हमारा काम हो गया। देखो इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट गया और इधर इस वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कट गया, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या आया, 9 और 4 13, तो मतलब 13 प्लस 6x माइनस 4y इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा, 16 और 25 31 मतलब 41 41 माइनस 8x और प्लस 10y, क्लियर है। अब हमें क्या करना है, एक्स वाई को एक तरफ रखना है, x को एक तरफ रखना है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो y वाले एक तरफ, तो माइनस का 4y ये रहा, माइनस का 4y ये रहा, और इस y को इधर ले आते हैं, तो माइनस का कितना हो जाएगा, और 10y, ठीक है, इज इक्वल टू एक एक्स ये रहा माइनस का 8x, और इधर से क्या आएगा, उधर जाएगा, तो माइनस के 8 और ये 6x, और इधर कितना है ये 41 प्लस का 41 और ये 13 उधर जाएगा, तो माइनस का 13, तो अभी इधर से कितना आ जाएगा, देखो तो माइनस का 14y इज इक्वल टू 8 और 6 माइनस का 14x और इधर कितना बचा, प्लस का 28, क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करना है, देखो पूरे में से माइनस का 14 कॉमन ले लो, तो इधर क्या बचा वाई, और इधर से माइनस का 14 बाहर आया तो क्या बचेगा, एक्स माइनस 2, और 14 से ये 14 कट गया, माइनस से ये कट गया, तो वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, एक्स माइनस 2, यही हमें सोल्व करना था, आ गया ना। तो देखो कितनी आसानी से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, बस जो गलती होती है हमारी इसकी कैलकुलेशन में, ये इसमें और इसमें, तो आसानी से जैसे मैंने समझाया है वैसे ही आप अच्छे से नोट डाउन करना, कोई गलती नहीं होगी। और डिस्टेंस फार्मूले का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा ही जाता है, हर साल लगभग आता ही आता है, और 3 नंबर से कम में नहीं आएगा, तो ये हलवा क्वेश्चन होते हैं, बस इसमें फार्मूला पुटिंग करना होता है और सोल्व करना होता है, जो आप लोग अक्सर गलती कर देते हैं। तो अच्छे से देखना वीडियो को, एक एक पॉइंट समझना, जितनी बात बताई मैंने उसको नोट डाउन करना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले अब तक मैं 11 वीडियो बना चुका हूं और सारे वही क्वेश्चन करवाए हैं जो बोर्ड में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आए हैं, तो आप उनको भी जाके देख सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, बाय बाय दोस्तों।